सिंधी तो वैसे ही मौला अली का मुरीद है और सिंधियों में तो वैसे ही खूबी पाई जाती है कि ये हिंदू भी होता है तो यारी मदद बोलता है, ये सुन्नी भी होता है तो घर पे अलम लगाता है। इनकी तबीयत के अंदर आजजी है। यहाँ का वडेरा भी, यहाँ का जागीरदार भी, यहाँ का सियासतदान भी हाथ जोड़ के आजजी का ऐलान करता है। झुक कर मिलना यहाँ की सकाफत है, प्यार से बात करना यहाँ की सकाफत है। बड़ी तादाद में लोग आपकी इस मोहब्बत को गलत फायदा लेते हुए, ये जो मोहब्बत है ना आपके अंदर जो एक खुलूस है, सच्चाई है, इसका बहुत से लोग गलत फायदा लेते हैं। समझते हैं ये सादा लोग हैं, ये सादा नहीं है, ये सादा नहीं है, ये मौलाई है। ये मौला अली के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर देते हैं ये बड़े बड़े लोग। मैंने कहा था कायम अली शाह साहब से, मैंने कहा कि सिंध का तो सुन्नी भी कायम अली है और सिंध का देवबंदी भी अली शेर है। यहाँ की सकाफत ही कुछ और, यहाँ की सकाफत ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका हुस्न है सिंधियों का। मैंने सिंधियों की 18 खूबियां जोड़ी हैं। सिंधियों में ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, ये खूबी है, दो चार खामियां भी हैं जो अकेले में बताऊंगा, लेकिन जो इज्तमाही खूबियां हैं वो आपके अंदर ज्यादा है। इसलिए मुझे सिंधी से बड़ा प्यार है। दो सिंधी लड़ रहे थे, एक को जब ज्यादा गुस्सा आया तो कहा तू मरवान है। तो मैंने उससे पूछा मरवान कौन होता है, क्या लगा गाली है। देखा मरवान किसी का नाम है, कहना नहीं हमें नहीं पता किसी का नाम है, हमें यह पता है जब किसी से गुस्सा करो तो सबसे बड़ी गाली मरवान दे दो। जिस सिंध की सकाफत में अहले बैत का दुश्मन गाली बन जाए, ये खूबी है इस खत्ते की।